आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, मिलावट के खिलाफ है। हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज क्या हुआ कि मैंने अपने पापा को ब्लैक सिसमी सीड लाने को बोला, मतलब कि काले तिल। तो वो गए एक दुकान में, तो दुकानदार ने उनसे पूछा क्या आप लोग को अंतिम संस्कार के लिए चाहिए या फिर खाने के लिए चाहिए। तो पापा ने कहा कि खाने के लिए चाहिए। तो दुकानदार ने क्या बोला कि हम जो अंतिम संस्कार के लिए है वो वाले है, हमारे पास खाने वाले नहीं है। और अब ये अंतिम संस्कार वाले तिलों की बात सुनो आप। अंतिम संस्कार वाले तिलों में लगा हुआ था रंग, जो कि एडिबल भी नहीं था, तो वो तिलों बेच रहे थे। तो इसी तरीके से ऑनलाइन भी ये चीजें होती ही रहती है। तो आप इन सब से बच सकते हो और बचना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। कलर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा आजकल डाला हुआ होता है, जो इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आजकल इस इंडिया में बहुत सारी मिलावट हो रही है। दूध में भी बहुत सारे पेस्टिसाइड केमिकल्स डाले हुए होते हैं, जो किसान खेत में डालने वाले खाद होते हैं वो दूध में डाले जा रहे हैं। तो दूध भी आप किसानों से ले सकते हो, पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। किसान उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं मिलाते, पर जो कंपनीज होती है उसमें बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। तो आपको इससे बचना है। अब बारी आती है दालों में भी मिलावट होती है। अब दालों में कौन सी मिलावट? दालों में रंग लगा हुआ होता है ताकि वो चमके ज्यादा, रंग के हिसाब से वो पीली पीली इतनी दिखती है, उतनी नेचुरली पीली पीली नहीं होती। हम अरहर दाल घर पर बनाते हैं, मतलब कि हमारे पास एक मिल है उससे हम अरहर दाल बनाकर आते हैं, वो थोड़ी सी काली काली मटमैली होती है, पर जो आप मार्केट से लाओगे उतनी चमकदार होती है, इतनी अच्छी खूबसूरत होती है कि आप मान नहीं सकते कि उसमें केमिकल्स लगाए हुए हैं, कलर्स लगाए हुए हैं। वो भी कर करके उनका पेट नहीं भरता है, तो उसमें उस रंग के पत्थर भर देते हैं। और मैं कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहता, कंपनीज भी ऐसी बनाई हुई है जो कि उन कलर के पत्थर बनाती है, पीले दाल के शेप के पत्थर बनाती है उसमें मिलाने के लिए। और 50 किलो में 5-7 केजी तक वो मिलाते हैं, दुकानदार मिलाते हैं या फिर होलसेलर मिलाते हैं। और पीनट्स मूंगफली में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ईंटों के टुकड़े होते हैं, ईंट पीनट के कलर की होती है ना, तो पीनट में भी ईंटों के कलर के टुकड़े होते हैं, ईंट के टुकड़े होते हैं या फिर वो पत्थर होते हैं जो रंगीन होते हैं। और उसकी तो कंपनीज बन चुकी है इस शेप के, उस तरीके के पत्थर। तो मैंने ये बहुत बार देखा, और आने वाले समय में आप लोग को इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, और नीचे कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। बाय।